दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेस टैक्स के बारे में। सेस टैक्स आखिर होता क्या है और इसे किस तरीके से आपके टेलीप्राइम के अंदर लगाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे इनवॉइस में आपको सेस टैक्स लगा हुआ दिखाई देता है, मगर ये हर एक आइटम पर अप्लाई नहीं होता। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसके बेस पर ये टैक्स लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी तंबाकू की एक कंपनी है जिसका इफेक्ट किसी भी नेचर पर या फिर किसी भी पर्सन पर पड़ता है, तो उस कंडीशन में आपको सेस टैक्स देना होता है। सेस टैक्स से जो भी कलेक्ट किया हुआ आपका अमाउंट होता है उसे किसी भी जगह पर ऐसे ही खर्च नहीं किया जा सकता। अगर आपसे सेस टैक्स लिया गया है और उसमें आपको ये बताया जाता है कि इस सेस टैक्स का जो इस्तेमाल होगा वो किस जगह पे किया जाएगा, मोस्टली सेस टैक्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एजुकेशन और या तो फिर हेल्थ के अंदर किया जाता है। और अगर आपसे सेस टैक्स को लिया गया है तो इसकी जानकारी आपको जरूर दी गई होगी कि उसका इस्तेमाल वो किस चीज पर करने वाले हैं, यानी इसका इस्तेमाल हम कह सकते हैं ज्यादातर एजुकेशन और हेल्थ पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सेस टैक्स जो होता है वो बेसिकली कितने तरह से लिया जाता है। सबसे पहला सेस टैक्स जो लिया जाता है वो बेस्ड ऑन क्वांटिटी के थ्रू लिया जाता है। दूसरा जो सेस टैक्स होता है वो बेस्ड ऑन वैल्यू के थ्रू लिया जाता है। और तीसरा जो हमारा सेस टैक्स होता है वो बेस्ड ऑन क्वांटिटी और वैल्यू दोनों को एक साथ प्लस करके लिया जाता है। तो आइए इसे समझाने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट यहाँ पर बना रखी है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही टेलीप्राइम के अंदर आज मैं आपको इसकी कंप्लीट एंट्री पास करके भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सेस टैक्स को यहाँ पर आपके टेलीप्राइम में या किसी भी इनवॉइस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक्सेल शीट में तीनों ही तरह के यहाँ पर एग्जांपल्स तैयार किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला एग्जांपल हमारा बेस्ड ऑन क्वांटिटी। अगर आपका जो आइटम है उसके ऊपर बेस्ड ऑन क्वांटिटी के हिसाब से सेस लग रहा है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो आज हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सीरियल नंबर लिया हुआ है, यानी जितने भी आइटम्स हैं उनका सीरियल नंबर हमने यहाँ पर टाइप कर रखा है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर दो आइटम्स को लिया है, पहला पान मसाला है और दूसरा तंबाकू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की हमने एक एक क्वांटिटी अगर मान लीजिए परचेज की है तो इनका प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम पान मसाला एक पीस खरीदते हैं तो वो हमें 20 रुपये का पड़ता है और अगर हम तंबाकू एक पीस खरीदते हैं तो वो हमें 10 रुपये का पड़ता है। अब इसके ऊपर जो टैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस ऑन क्वांटिटी, यानी 20 रुपये का अगर हम यहाँ पर पान मसाला लेते हैं और उसके ऊपर बेस ऑन क्वांटिटी सेस टैक्स लगता है तो ये आइटम जो हमारा होगा वो टोटल यहाँ पर 30 रुपये का हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर तंबाकू अगर आप एक पीस परचेज करते हैं और उसका प्राइस यहाँ पर 10 रुपये है और उसके ऊपर बेस ऑन क्वांटिटी का जो टैक्स यहाँ पर 20 रुपये लगता है तो इसकी जो आइटम का कॉस्ट होगा वो यहाँ पर 30 रुपये का हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने टोटल सेस का टैक्स यहाँ पर आपको दिखा रखा है रुपीज़ के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं CGST और SGST भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CGST यहाँ पर 5% है, SGST यहाँ पर 5% है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं तंबाकू पर 9% का CGST है और 9% का SGST है, यानी अगर हम IGST की बात करें यानी 10% का यहाँ पर IGST लग रहा है और यहाँ पर 18% का IGST तंबाकू पर लग रहा है। इसी तरीके से अगर टोटल GST की बात करें तो अगर हम यहाँ पर 20 रुपये को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से 10% से तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 रुपये आएगी। उसी तरीके से अगर आप 10 रुपये को मल्टीप्लाई करते हैं 18% से तो यहाँ पर 1.80 रुपये की आपकी यहाँ पर टैक्स वैल्यू आएगी, यानी टोटल जो हमारा GST वैल्यू होगी वो यहाँ पर 1.80 रुपये की आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा GST और सेस अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो हमारी टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो कितनी आएगी यहाँ पर आप देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 रुपये का हमारा यहाँ पर सेस वैल्यू है और यहाँ पर 2 रुपये का हमारा GST टैक्स है। तो 10 और 2 दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 रुपये का हमारा टोटल GST प्लस सेस टैक्स यहाँ पर बनता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 रुपये की यहाँ पर हमारी सेस वैल्यू है, यानी कि हमारा जो टैक्स वैल्यू है वो सेस का यहाँ पर 20 रुपये है और 1.80 रुपये यहाँ पर GST टैक्स है। और इन दोनों को अगर हम यहाँ पर प्लस करते हैं तो 21.80 रुपये का हमारे यहाँ पर टोटल GST प्लस सेस टैक्स इंक्लूड करके बनता है। और इन दोनों को अगर हम यहाँ पर प्लस करते हैं तो 33.80 रुपये का हमारा यहाँ पर टोटल टैक्स बनता है। तो दोस्तों इस तरीके से सेस टैक्स हमारा लगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन वैल्यू की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी एग्जांपल हमने सेम उसी आइटम से लिया हुआ है। सेम वही आइटम्स आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे, उतनी ही क्वांटिटी आपको दिखाई देगी, उतना ही प्राइस आपको दिखाई देगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन वैल्यू के हिसाब से हमने यहाँ पर परसेंटेज लगा दिया, यानी कि हमारी जो वैल्यू थी हमने यहाँ पर परसेंटेज में इसको कैलकुलेट कर दिया है। यानी जैसे 20 रुपये का अगर कोई भी आइटम है तो उसके ऊपर 120% का टैक्स लगेगा और उसकी जो आइटम की वैल्यू बनेगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 रुपये की हमारी टोटल सेस वैल्यू यहाँ पर बनेगी। यानी अगर आप 20 रुपये का आइटम परचेज करते हैं पान मसाला का एक पीस
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 रुपये का इसका एक्चुअल प्राइस है और 24 रुपये का यहाँ पर सेस उसके ऊपर लग रहा है, यानी इसका जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा वो यहाँ पर 44 रुपये का टोटल कॉस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं तंबाकू का, अगर आप एक पीस यहाँ पर परचेस करते हैं जिसका प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 रुपये है, उसके ऊपर यहाँ पर जो सेस वैल्यू है यानी बेस्ड ऑन सेस वैल्यू लग रही है वो यहाँ पर 80% की लग रही है, उसका अगर हम यहाँ पर टोटल सेस कैलकुलेट करें तो 8 रुपये का आपका यहाँ पर इसकी कॉस्ट पड़ रही है, यानी 8 रुपये प्लस 10 रुपये को अगर हम जोड़ें तो इसको आपको खरीदना होगा 18 रुपये में, यानी टोटल कॉस्ट यहाँ पर बन गई 18 रुपये। तो दोस्तों इसके ऊपर अब हमारा GST भी एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CGST और SGST आप यहां पर देख सकते हैं 10%। तो दोस्तों हम यहां पर कह सकते हैं कि 10% का हमारा IGST और 18% का IGST यहां पर लगाया जा रहा है तंबाकू पर और 10% का लग रहा है हमारा पान मसाला पर। यहां पर आप देख सकते हैं टोटल GST जो हमारी आ रही है यहां पर 2 रुपये आ रही है, 20 रुपये को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहां से 10% से तो 2 रुपये यहां पर आ जाएगा। इसी तरीके से 10 रुपये को अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 18% से तो 1.80 रुपये का यहां पर हमारा टोटल टैक्स यहां पर आपको दिखाई देगा जो कि हमारा GST टैक्स है। इसके अलावा अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं यानी टोटल सेस को और यहाँ पर GST को, सेस वैल्यू हमारी 24 रुपये है और यहाँ पर GST टैक्स हमारा 2 रुपये है, तो टोटल इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू बनेगी 26 रुपये। इसी तरीके से टोटल सेस वैल्यू यहाँ पर 8 रुपये है और 1.80 रुपये हमारी यहाँ पर टोटल GST वैल्यू है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 9.80 रुपये बनेगी। तो इसके बाद अगर हम इसको यहाँ पर प्लस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35.80 रुपये की आपकी यहाँ पर टोटल सेस वैल्यू और GST वैल्यू को इंक्लूड करके यहाँ पर ये वैल्यू बनेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप बेस्ड ऑन वैल्यू की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड वैल्यू की। अब यहाँ पर सेम उसी आइटम को हमने फिर से यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सीरियल नंबर आइटम सेम वही है, क्वांटिटी भी वही है, प्राइस भी वही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दोनों चीज़ों को एक साथ यहाँ पर इंक्लूड किया है, यानी कि अब इसके ऊपर जो हमारा टैक्स लग रहा है वो यहाँ पर बेस्ड ऑन क्वांटिटी और बेस्ड ऑन वैल्यू दोनों ही एक साथ इसके ऊपर लगाया जा रहा है। तो कैसे लगेगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 रुपये पर क्वांटिटी के हिसाब से और 120% के हिसाब से यहाँ पर लगाया जा रहा है, जो जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको ऊपर दोनों ही समझाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी हमारी 10 रुपये बनी और बेस्ड ऑन वैल्यू हमारी 24 रुपये, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से इसका जो टोटल सेस वैल्यू बनी वो यहाँ पर 34 रुपये बनी है और यहाँ पर 28 रुपये बनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं GST टैक्स को इंक्लूड करने के बाद अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो GST टैक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 रुपये हमारा GST फर्स्ट वाले आइटम पर बना है यानी कि पान मसाला पर, और 1.80 रुपये हमारा यहाँ पर तंबाकू पर बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर हम यहाँ पर प्लस करते हैं यानी टोटल सेस वैल्यू को और GST टैक्स वैल्यू को, तो यहाँ पर 34 और 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो 36 रुपये का हमारा GST और सेस वैल्यू यहाँ पर बनेगी, और उसी तरीके से 28 प्लस 1.80 रुपये को प्लस करेंगे तो 29.80 रुपये का आपका टोटल GST और सेस वैल्यू यहाँ पर बनेगी। और उसके बाद इन दोनों को अगर हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर GST और सेस वैल्यू टोटल इंक्लूड करके आपका 65.80 रुपये का टोटल यहाँ पर बनने वाला है। तो दोस्तों इन तीनों ही तरीके से सेस वैल्यू की कैलकुलेशन यहाँ पर की जाती है। अब आइए हम इसे प्रैक्टिकल तरह से अपने टेली प्राइम में समझते हैं। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सेस टैक्स का इस्तेमाल किस तरीके से और किन जगह पर और किस कंडीशन में किया जाता है। आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि आप टेली प्राइम के अंदर किस तरीके से सेस टैक्स को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं सेस विद GST टैक्स के नाम से। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। मेलिंग नेम में आपको सेम नेम रहने देना है और यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का एड्रेस फिल करना है, तो हम यहाँ पर रैंडमली एक कोई भी एड्रेस फिल कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। स्टेट में यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ पर दिल्ली को लेते हुए एंटर प्रेस करेंगे। पिन कोड में आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है, तो हम यहाँ पर पिन कोड डालते हुए एंटर प्रेस कर रहे हैं। टेलीफोन नंबर में आपको अपनी कंपनी का टेलीफोन नंबर फिल करना है, तो रैंडमली हम यहाँ पर एक टेलीफोन नंबर फिल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर फिल करना है, तो रैंडमली हमने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपकी कंपनी का फैक्स नंबर आपके पास है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, तो फटाफट हम यहाँ पर एक रैंडमली ईमेल आईडी डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट फिल करनी है, तो यहाँ पर हमने कंपनी की वेबसाइट फिल कर दी है, यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। फाइनेंशियल ईयर बिंग फ्रॉम और बुक बिंग फ्रॉम दोनों में ही आपको सेम डेट रहने देना है। आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करके बेस ऑफ करेंसी सिंबल में आपको यहाँ पर रुपीज का सिंबल दिखाई देगा, यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। फॉर्मल नेम में आपको INR दिखाई देगा, तो यहाँ पर भी आपको इसे एंटर प्रेस करना है और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपके सामने कुछ फीचर्स दिखाई देंगे जिसमें से हम कुछ फीचर्स को एक्टिवेट करने वाले हैं।
राइट साइड में आप देखेंगे हमें टैक्सेशन का एक पार्ट दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हम यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे, यानी इसे हम यस पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी दिल्ली को सेलेक्ट करते हुए, यानी आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पर हमें रेगुलर सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। बाकी दोनों चीज़ों के बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके डीपली समझ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर रेगुलर को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर भी हमें नो रखते हुए एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर फिल करना है। तो हम यहाँ पर रेंडमली एक कोई भी जीएसटी नंबर फिल करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। जीएसटी R1 को आप मंथली फाइल करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली, तो यहाँ पर हम मंथली को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें कंट्रोल ए की मदद से इसे सेव कर लेना है। तो यहाँ पर कंट्रोल ए करते ही हमारी एंट्री यहाँ पर सेव हो चुकी है, यानी जो भी हमने यहाँ पर सेटिंग की थी वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुकी है और यहाँ पर भी हमें कंट्रोल ए की मदद से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर नो वाउचर एंटर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा और यहाँ पर सेस विद जीएसटी टैक्स के नाम से हमारी कंपनी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। अब हमें इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स करनी है, तो ट्रांजेक्शन्स करने के लिए हम सीधे आ जाते हैं अपने वाउचर्स पर। वाउचर में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको परचेज वाउचर खुला हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ पर परचेज वाउचर आपको ना दिखाई दे तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F9 और F9 प्रेस करते ही आपका परचेज वाउचर आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके अलावा राइट साइड में भी आप देख सकते हैं आपके वाउचर्स की शॉर्टकट की आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से आप परचेज या सेल के लिए जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वो वाउचर यहाँ से ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम सेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स वाउचर यहाँ पर ओपन हो चुका है और अगर हम यहाँ पर परचेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से परचेज वाउचर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर हम परचेज वाउचर के अंदर ही सेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर में आप यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, जो भी आपके सप्लायर का इनवॉइस नंबर होता है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो रेंडमली हम यहाँ पर एक नंबर फिल कर रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे, आपको डेट दिखाई देगी, डेट को एक्सेप्ट करते हुए आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। पार्टी अकाउंट नेम में आपको यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना होगा पार्टी के नाम का, तो यहाँ से आप क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर के एंटर प्रेस करेंगे। आपके सामने यहाँ पर लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का लेजर क्रिएट करना है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर पार्टी का नेम रख दिया मोहन इंडस्ट्रीज और इसके बाद इसे एंटर प्रेस करते हुए अंडर ऑफ सेंड्री क्रेडिटर रखते हुए इसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। स्टेट में हम यहाँ पर दिल्ली को ही रहने देंगे क्योंकि हम यहाँ पर CGST और SGST को अप्लाई करने वाले हैं। नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर रेगुलर और कंपोजिशंस के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप अगर आप देखना चाहते हैं तो शो मोर पर क्लिक करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो इसमें से किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर भी रेगुलर रखते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का जीएसटी नंबर फिल करना होगा, तो यहाँ पर भी हम एक जीएसटी नंबर फिल कर लेते हैं। जीएसटी नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम इसे यहाँ पर नो रखते हुए एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसिप्ट डिटेल आपके सामने दिखाई दे रही है। फिलहाल हम यहाँ पर कोई भी डिटेल फिल नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर इसे कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पार्टी डिटेल दिखाई देगी, तो यहाँ पर भी आप एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आप परचेज लेजर पर जम कर जाएंगे और यहाँ पर भी आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा परचेज लेजर का। तो यहाँ पर हम क्रिएट वाले ऑप्शन पर एंटर प्रेस करेंगे या तो फिर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं Alt+C। तो हम क्रिएट को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर परचेज अकाउंट का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। परचेज अकाउंट का लेजर क्रिएट करने के बाद इसे अंडर ऑफ डाल देंगे हम परचेज अकाउंट के और यहाँ पर आपको एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूँ, आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके समझ सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर अभी किसी भी ऑप्शन को यस नहीं करने वाले हैं, यहाँ से हम गुड्स ऑफ सप्लाई में गुड्स को रखते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं हम यहाँ पर नेम ऑफ आइटम पर जंप कर जाएंगे और यहाँ पर हमें अपने आइटम क्रिएट करना होगा। तो आइटम को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर Alt+C की मदद ले सकते हैं, यहाँ पर आपको Alt+C प्रेस करना है। Alt+C प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी और यहाँ पर आप अपनी स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक बार चले जाते हैं अपनी एक्सेल शीट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पहला आइटम है वो है पान मसाला। तो हम पान मसाला को यहाँ पर टाइप करने वाले हैं, हमने यहाँ पर पान मसाला टाइप कर दिया है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे स्किप करेंगे, अंडर ऑफ प्राइमरी रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। आप चाहें तो इसका अंडर ऑफ ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद कैटेगरी को आपको नॉट एप्लीकेबल रखते हुए एंटर प्रेस करना है। आप चाहें तो यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्रिएट वाले सेक्शन को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट क्रिएशन विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हम इसका यूनिट डाल देते हैं नोज। इतना करने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो इसका फॉर्मल नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पर नंबर्स टाइप करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड में हम एन टाइप करते हुए यहाँ पर नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में जीरो रखते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आइटम और यूनिट दोनों ही हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन फंक्शन की तरफ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जस्ट एप्लीकेबिलिटी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम इसे फिलहाल एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ से हमें HSN और SEC डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, तो स्पेसिफाइड डिटेल हेयर के अंदर हम इसे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपने आइटम का HSN नंबर टाइप करना होगा, तो रेंडमली हम यहाँ पर एक HSN नंबर टाइप कर लेते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर आप अपने आइटम का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स। तो यहाँ पर हमें स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ से आपको टैक्सेबल को सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। IGST के अंदर जितना भी टैक्स रेट था वो टैक्स रेट आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो टैक्स रेट है इसके ऊपर वो 10% का टैक्स रेट है, तो यहाँ पर हम 10% टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर 5% में CGST और 5% में SGST और UTGST आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करके सेस वैल्यूएशन टाइप में आ जाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यूएशन टाइप में आपको तीन तरह के सेस दिखाई दे रहे हैं, यानी तीन तरह से आप सेस लगा सकते हैं। सबसे पहला आपको सेस दिखाई दे रहा है बेस्ड ऑन क्वांटिटी, दूसरा आपको दिखाई दे रहा है बेस्ड ऑन वैल्यू और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है बेस्ड ऑन वैल्यू एंड क्वांटिटी। तो एक एक करके हम इन तीनों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लगाना चाहेंगे बेस्ड ऑन क्वांटिटी के ऊपर, तो यहाँ पर हम बेस्ड ऑन क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे। बेस्ड ऑन क्वांटिटी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेस रेट हमसे मांगा जा रहा है पर यूनिट यानी क्वांटिटी के हिसाब से। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमने यहां पर जो प्राइस रखा हुआ है वो एक क्वांटिटी के ऊपर ₹10 का प्राइस रखा हुआ है। सेस का रेट जो है हमने यहां पर ₹10 रखा हुआ है, तो हम यहां पर ₹10 पर यूनिट को सिलेक्ट करते हुए यहां से गुड्स को सिलेक्ट करते हुए यहां पर इसे एक्सेप्ट करेंगे। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहां से आपसे क्वांटिटी मांगी जा रही है, तो यहां पर एक क्वांटिटी रखते हुए हम यहां पर एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर हमसे इसका रेट मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसका जो रेट रखा हुआ है ₹20 रेट रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 20 डालते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटी हमारे सामने एक है, रेट हमारे सामने 20 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर ₹20 आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम दूसरे आइटम को भी क्रिएट करने वाले हैं, तो इसे हम यहाँ पर एज पर मास्टर कंपनी को रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी हम सेम चीज़ को रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। अब दूसरा आइटम क्रिएट करने के लिए वापस से यहाँ पर हमें ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना है और यहाँ पर दूसरा आइटम हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा आइटम है वो है तंबाकू, तो हम तंबाकू को यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसे भी प्राइमरी में रखते हुए यहाँ पर नोज को रखते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना HSN नंबर टाइप कर देना है, तो यहाँ पर रेंडमली हम एक HSN नंबर टाइप कर लेते हैं। HSN नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देनी है, तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन फिल कर लेते हैं। तो हमने डिस्क्रिप्शन में भी टंबाकू रख दिया है, यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से हमें स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सिलेक्ट करते हुए टैक्सेबल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर इसका GST टैक्स टाइप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो हमने GST टैक्स लगाया है वो 18% का GST टैक्स लगाया हुआ है, तो यहाँ पर हम 18% डालते हुए एंटर प्रेस करेंगे। CGST SGST यहाँ पर आप देख सकते हैं 9% में ऑटोमेटिक डिवाइड हो चुका है। यहाँ से आपको सेस वैल्यूएशन टाइप में जाना है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी को वापस से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से जो हमने यहाँ पर रेट रखा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेस्ड ऑन क्वांटिटी रेट हमारे यहाँ ₹20 है, तो हम यहाँ पर ₹20 सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। गुड्स को सिलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्वांटिटी सेम हम 1 लेते हैं, इसका जो प्राइस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ₹10 का प्राइस है, तो यहाँ पर हम ₹10 डालते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल आइटम की क्वांटिटी है वो यहाँ पर 2 नोज आपको दिखाई दे रही है और टोटल जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर ₹30 का दिखाई दे रहा है। अब हम इसके ऊपर GST और सेस को अप्लाई करने वाले हैं, तो एंटर करने के बाद हम यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अगर और भी आइटम्स को आपको यहाँ पर ऐड करना है तो ऑल्ट सी की मदद से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक बार और एंटर करके नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर CGST का एक लेजर क्रिएट करेंगे। CGST टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, अंडर ऑफ इसे डालना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से आपको GST को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको CGST को सिलेक्ट करना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हमें यहाँ पर 0% ही रखना है। एंटर करने के बाद इसे यहाँ पर एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं 1.90 पैसा का हमारा CGST टैक्स यहाँ पर अप्लाई हो चुका है।
एंटर प्रेस करेंगे, वापस से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे, अंडर ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस डालते हुए जीएसटी को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एसजीएसटी और यूटी जीएसटी को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं दोनों ही टैक्स हमारे यहाँ पर 1.90 और 1.90 के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है। और अब हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं सेस को, तो यहाँ पर वापस से हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे सेस के नाम से एक लेजर और इसे अंडर ऑफ डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से जीएसटी को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से आपको सेस को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ वैल्यूएशन टाइप, यानी दो तरीके से ये कैलकुलेशन करता है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी और बेस्ड ऑन वैल्यू। तो फिलहाल हम बेस्ड ऑन क्वांटिटी ही कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बेस्ड ऑन क्वांटिटी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एनी को सिलेक्ट करेंगे। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप बेस्ड ऑन क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से सेस का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर आप बेस्ड ऑन वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए अलग से आपको एक और लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एनी को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा दोनों में ही काम कर जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एनी को सिलेक्ट करते हुए परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में जीरो रखते हुए हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल वैल्यू थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 रुपये की सेस वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब इसको राउंड फिगर करने के लिए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे ऑल्ट सी की मदद से, यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करेंगे राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करने के बाद इसे अंडर ऑफ डाल देते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, और यहाँ से हम टाइप ऑफ लेजर के अंदर इसे इनवॉइस राउंडिंग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राउंड ऑफ हमारे यहाँ पर 0.20 पैसा यहाँ पर हो चुका है और हमारी जो टोटल वैल्यू थी वो यहाँ पर 64 रुपीज़ आपको दिखाई दे रही है टू नोज के ऊपर। अब इसका मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट प्लस ए। ऑल्ट प्लस ए जैसे ही आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने जीएसटी टैक्स एनालिसिस के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर अगर आप ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करते हैं तो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर एक साथ दिखाई दे जाएगी। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू थी वो 30 रुपये की थी, जिसमें कि HSN नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर पान मसाला की, उसका जो प्राइस था वो 20 रुपये था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो इसके ऊपर टैक्स लगा है वो 5% का टैक्स लगा है, यानी 1-1 रुपये का हमारे यहाँ टैक्स लगा है, 10 रुपये का पर नोज के हिसाब से हमारा सेस लगा है। तो टोटल जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है, यानी सेस की जो टोटल वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो यहाँ पर 21.80 पैसे की हमारी टोटल वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हुई है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं तंबाकू के अंदर यहाँ पर 9% का हमारा टैक्स लगा है, यानी जीएसटी लगा है, और 90 पैसे का आप देख सकते हैं यहाँ पर जीएसटी है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 20 रुपीज़ के हिसाब से हमारा यहाँ पर सेस लगा है, और टोटल वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं 33.80 पैसे का आपका टोटल टैक्स यहाँ पर बना है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू है वो 33.80 पैसे का यहाँ टोटल सेस और जीएसटी को इंक्लूड करने के बाद यहाँ पर आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सभी टैक्स को एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ से स्कैप करके हम इसे हटाएंगे और यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप नरेशन फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बेस्ड ऑन वैल्यू के अंदर भी हमने यहाँ पर सीरियल नंबर लिया हुआ है, आइटम्स के नेम लिए हुए हैं, क्वांटिटी ली है, उनका प्राइस लिया है। बेस्ड ऑन वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पर 120% और 80% है। 120% हमारी पान मसाला पे है और तंबाकू पे हमारी 80% है। इसी तरीके से इसकी जो टोटल सेस वैल्यू बन रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 120% के हिसाब से 24 रुपये और 80% के हिसाब से यहाँ पर 8 रुपये बन रही है एक पीस पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो CGST और SGST इंक्लूड करके यहाँ पर 10% का 2 रुपये और 18% का यहाँ पर 1 रुपया बन रहा है। इसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं अगर हम जीएसटी और सेस दोनों को प्लस करते हैं तो पान मसाला के लिए यहां पर 26 रुपीज़ हमारा जा रहा है और यहां पर तंबाकू के लिए आप देख सकते हैं 9 रुपये हमारा यहां पर जा रहा है, जिसमें जीएसटी और सेस दोनों ही इंक्लूड है। और इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 35 रुपीज़ हमारा टोटल टैक्स यहां पर जा रहा है। और अगर प्राइस की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो यहां पर प्राइस आ रहा है वो 30 रुपये का टोटल प्राइस आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 30 रुपये का हमारा टोटल आइटम है दोनों का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 35 रुपये का उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। यानी टोटल जो हमारा टैक्स अमाउंट बनेगा, यानी टोटल जो वैल्यू हमारी बनेगी वो 30 + 35 यानी 65 रुपीज़ की हमारी टोटल वैल्यू यहाँ पर बनेगी। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकल तरह से समझते हैं। तो दोस्तों हम फिर से अपनी टैली पर आ गए हैं और यहाँ से हम वापस से पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। हम सेम पार्टी को यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए हम यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करेंगे, परचेज अकाउंट को एक्सेप्ट करेंगे, आइटम नेम को हम यहाँ पर सेम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो हम पान मसाला को फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर
हम इसके अंदर एडिटिंग करेंगे, यानी पान मसाला का हम यहाँ पर अल्टर ओपन करेंगे। कंट्रोल की के साथ जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा अल्टर यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एचएसएन नंबर और डिस्क्रिप्शन को सेम रहने देते हैं, यहाँ पर परसेंटेज भी हम यहाँ पर सेम रहने देते हैं। यहाँ पर हमें जो चेंज करना है वो चेंज करना है बेस्ड ऑन वैल्यू, तो बेस्ड ऑन वैल्यू को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर हम वैल्यू रेट डाल देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो बेस्ड ऑन वैल्यू सेस है वो 120% है, तो यहाँ पर हम 120% डालते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको करंट डेट को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है, यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वांटिटी डाल लेनी है, तो हमने यहाँ पर क्वांटिटी डाल दी है। रेट आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपने आप आ चुका है क्योंकि हम पहले ही एंट्री इसकी कर चुके हैं। यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सारी डिटेल वापस से आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको एज पर कंपनी मास्टर को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करना है और दूसरा आइटम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो मान लीजिए हमने यहाँ से तंबाकू को सिलेक्ट किया और यहाँ से बैकस्पेस दबाने के बाद कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके इसका भी अल्टर यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। सभी डिटेल्स को यहाँ पर सेम रहने देते हैं, परसेंटेज यानी जीएसटी को भी हम यहाँ पर सेम रहने देते हैं। बस हमें यहाँ पर जो चेंजेस करनी है वो चेंजेस करनी है बेस्ड ऑन वैल्यू की, तो यहाँ पर हम बेस्ड ऑन वैल्यू को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका जो परसेंटेज है वो 80% है, तो यहाँ पर हम 80% डालते हुए इसे एंटर करके करंट डेट ऑफ कंपनी को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर गुड्स को सिलेक्ट करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी डाल दिया है हमने, यहाँ पर प्राइस अपने आप आ गया है। इसके बाद यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर एक बार और एंटर प्रेस करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सी जी एस टी लेंगे, तो आप देख सकते हैं सी जी एस टी हमारा 1.90 पैसा आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर हम एस जी एस टी को सिलेक्ट करेंगे, तो एस जी एस टी भी हमारा 1.90 पैसा आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम सेस का इस्तेमाल करते हैं यानी सेस को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹32 हमारे यहाँ पर सेस आपको दिखाई देगा। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर हम राउंड ऑफ को भी ले लेते हैं, तो राउंड ऑफ में 0.20 पैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जाकर के हम इसे चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹30 की हमारी टोटल करंट वैल्यू है यानी टैक्सेबल वैल्यू है, जिसके ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो हमें दिखाई दे रहा है वो टोटल ₹35.80 का यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो परसेंटेज है यानी सी जी एस टी है वो 5% के हिसाब से ₹1 बनता है और एस जी एस टी हमारा 5% के हिसाब से यहाँ पर भी ₹1 बन गया। सेस जो हमारा लगा है वो यहाँ पर 120% लगा है, ₹24 का हमारे यहाँ पर सेस हो गया, यानी एक पीस के ऊपर यहाँ पर ₹24 का सेस लग चुका है। उसी तरीके से आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर तंबाकू के ऊपर ₹10 का जो हमारा तंबाकू की वैल्यू थी उसके ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं 80% का हमारा सेस लगा है, जो कि ₹8 हमारा यहाँ पर सेस लगा है और 90 पैसे आप देख सकते हैं सी जी एस टी और एस जी एस टी लगा है। तो टोटल टैक्स को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 35.80 पैसा का यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमारी दिखाई देगी, यानी इतना टैक्स हमें एक्स्ट्रा पे करना है। यानी टोटल वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं ₹30 का हमारा आइटम है, जिसके ऊपर टोटल जो टैक्स हमारा लग रहा है वो ₹35.80 का टैक्स लग रहा है। तो एक बार मैं आपको एक्सेल शीट पर ले जा करके दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो टोटल प्राइस था यानी ₹20 का एक आइटम था, ₹10 का एक आइटम था, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ₹30 का हमने यहाँ पर आइटम परचेज किया है, जिसके ऊपर 120% का यहाँ पर सेस और 80% का सेस लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो सेस वैल्यू है जीएसटी और सेस को प्लस करने के बाद ₹26.80 बनती है। टोटल टैक्स को अगर हम यहाँ पर देखते हैं जीएसटी प्लस सेस को, तो यहाँ पर ₹35.80 आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल सेस वैल्यू है वो ₹35.80 आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बेस्ड ऑन वैल्यू के हिसाब से भी सेस को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड वैल्यू, यानी आप क्वांटिटी और वैल्यू दोनों ही टैक्स एक साथ इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इसके लिए हम वापस से अपनी टैली पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप जो भी इनवॉइस नंबर डालना चाहें वो यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कंट्रोल ए की मदद से इसे एक्सेप्ट किया, परचेज को सिलेक्ट किया, आइटम को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम इसका अल्टर फिर से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमें इन सभी डिटेल्स को सेम रहने देना है, जीएसटी डिटेल को भी सेम रहने देना है। अगर आप चाहें अपने केस में जीएसटी डिटेल यहाँ पर कम या ज़्यादा करना चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर हम तीसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं बेस्ड ऑन वैल्यू एंड क्वांटिटी, तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेस रेट हमारा 120% है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। रही बात क्वांटिटी की, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी को ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी हमारा 10 है, तो हम यहाँ पर 10 क्वांटिटी टाइप करेंगे, यानी ₹10 पर क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर टैक्स लगना चाहिए। इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर करंट डेट ऑफ कंपनी को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे, गुड्स को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे।
और यहाँ पर क्वांटिटी डाल करके हम एंटर प्रेस करेंगे, रेट और प्राइस अमाउंट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपने आप आ गया है। आप चाहें तो यहाँ पर चेंज करना चाहें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एज मास्टर कंपनी को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा आइटम को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से हमने ले लिया तंबाकू को और बैकस्पेस दबाने के बाद इसका अल्टर हमने यहाँ पर भी ओपन कर लिया है। और यहाँ से हम टैक्सेशन पार्ट को छोड़ते हुए हम वापस आएंगे सेस वैल्यूएशन टाइप के अंदर, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी रेट जो हमारा था यहाँ पर वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर हम 20 रुपये पर क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। करंट डेट ऑफ कंपनी को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करके इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। वन नोज डालेंगे, यहाँ पर प्राइस आ गया। यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्शन को सेम रखते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, एक बार और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से हम CGST को सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट आप देख सकते हैं रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से हम SGST को सिलेक्ट करेंगे, इसका भी अमाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और उसके बाद यहाँ से स्पेस दबाते हुए हम यहाँ पर सेस को सिलेक्ट करेंगे। सेस सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं सेस की जो वैल्यू आई है वो 62 रुपीज़ आई है। और इसके बाद अगर आप इसे राउंड ऑफ करना चाहें तो यहाँ से हम राउंड ऑफ को भी ले लेते हैं। राउंड ऑफ करने के बाद हमारी जो टोटल वैल्यू बनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 96 रुपीज़ टोटल वैल्यू हमारी यहाँ पर बनी है। अब यहाँ पर हम ऑल्ट ए की मदद से और ऑल्ट F1 की मदद से इसके सभी डिटेल्स को यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो 30 रुपये, यानी 30 रुपये का सामान हमने परचेस किया है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं 65 रुपये 80 पैसे का टोटल यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लगा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं CGST हमारा 5% के हिसाब से 1 रुपये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। SGST आप यहाँ पर देख सकते हैं 5% के हिसाब से यहाँ पर 1 रुपये दिखाई दे रहा है। सेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 120% के साथ साथ यहाँ पर 10 रुपये पर नोज के हिसाब से, दोनों के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं 34 रुपये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं इसको एक बार एक्सेल शीट पर आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी हमारी जो है वो 10 रुपये है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन वैल्यू जो है हमारी वो यहाँ पर 24 रुपये है। ये कैसे आई है? यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर आपको 1 नोज़ दिखाई दे रही है। 1 नोज़ के हिसाब से बेस्ड ऑन क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो 10 रुपये का हमारा यहाँ पर टैक्स हो गया बेस्ड ऑन क्वांटिटी का। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन वैल्यू, यानी एक नोज का अगर 120% यहाँ पर हम निकालते हैं तो बनता है 24 रुपये, और 24 और 10 दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 34 रुपये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं 34 रुपये की वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा आइटम है वो है तंबाकू का। CGST आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.90 पैसा है। SGST आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.90 पैसा है। और यहाँ पर सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 80% का सेस साथ के साथ 20 रुपीज़ पर नोज के हिसाब से यहाँ पर 28 रुपये की टोटल अमाउंट यहाँ पर हमारा बन रहा है। इसको भी एक बार मैं एक्सेल शीट पे आपको दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी क्वांटिटी यहाँ पर 1 है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी 20 रुपये, यानी 20 रुपये का टैक्स इसके ऊपर लग गया। 10 रुपये का हमारा प्राइस था, 20 रुपये का टैक्स यहाँ पर लग चुका है एक क्वांटिटी का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन वैल्यू यानी 8 रुपये का टैक्स हमारा 80% के हिसाब से यहाँ पर लग गया। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 28 रुपये का यहाँ पर हमारा टोटल टैक्सेबल वैल्यू बनती है। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 62 रुपीज़ की यहाँ पर हमारी टोटल सेस वैल्यू बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल वैल्यू आई है यहाँ पर 65.80 पैसा आई है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ सेस वैल्यू है। इसके आगे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ से अगर हम GST को भी इसके अंदर प्लस करते हैं यानी इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GST और सेस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर एक साथ प्लस करेंगे यानी 36 रुपये 29.80 पैसा को, तो टोटल जो हमारी टैक्स वैल्यू बनेगी वो 65 रुपये 80 पैसे की यहाँ पर बन जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप टेली प्राइम के अंदर सेस टैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तीनों ही तरीके आपको बता दिए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।